कृष्ण जी के जन्म के रूप में पूरे भारत वर्ष में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी पर आने को लेकर कई तरह की कहानियां बताई गई हैं और श्री कृष्ण से जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी जो कि राधा से भी जुड़ी हुई बताती है। बता दें आपको कि राधा रानी से जुड़ी हुई इस कथा में जाता है कि राधा रानी के एक श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर पड़ा था और ये बात लिखी गई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जी हाँ, ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा रानी ने उस श्राप के कारण श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। चलिए के बारे में बताते हैं जो कि राधा रानी से जुड़ी हुई है। एक बार राधा जी भगवान श्री गई और गोलोक छोड़कर कहीं चली गई। इस दौरान श्री कृष्ण अकेले हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर राधा की एक सहेली उनके निकट इसी बीच राधा जी वहां से वापस आ गई। अपनी सहेली को कृष्ण के पास देखकर वो काफी नाराज हुई और दोनों को जलीकटी सुनाने लगी। ऐसे में उनकी सहेली वहां से तुरंत ही चली गई। अभी राधा जी का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ था और कृष्ण पर वो नाराज हो रही थी। वहां गोलोक में मौजूद सुदामा नाम का एक गोप ये सब कुछ देख रहा था। उसे राधा जी का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि वो कृष्ण पर गुस्सा हो रही है। उसने राधा जी को समझाने का प्रयास भी किया लेकिन राधा जी बिल्कुल शांत नहीं और गोप को असुर होने का श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर चला जाए। इस पर गोप ने भी राधा जी को श्राप दिया कि आप भी पृथ्वी और भगवान श्री कृष्ण से विरह की वेदना आप सहन करेगी। कृष्ण से वियोग का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। सुदामा के श्राप से राधा जी जो थी वो बहुत दुखी हुई। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जब आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी तब वो पर जन्मेंगे। इस प्रकार द्वापर युग में कृष्ण और राधा ने पृथ्वी पर जन्म लिया और इस संसार को प्रेम का सही मतलब सिखाया। जी हाँ, श्री कृष्ण और राधा के संदर्भ में कहा जाता है कि जो ना मिलकर भी सदा सदा के लिए मिल गए वो हैं राधा और कृष्ण। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।